हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। तो हम करेंगे आज पौधों के साथ ही क्रिएटिविटी। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अपने डोरमेंसी से उठे हुए प्लांट की बहुत केयर की है, ताकि आने वाले सीजन में वो हमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दे सके। आज हम बात करने वाले हैं मधुमालती के प्लांट के, जो डोरमेंसी से अभी अभी उठे हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना करें। डोरमेंसी से उठे हुए प्लांट की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो रिजल्ट सो सो ही रहेंगे, यानी लगभग आपके जैसा मर्जी प्लांट करेगा अपने हिसाब से कर लेगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हम इस प्लांट के साथ बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका जो मधुर मालती का जो प्लांट है, ये डोरमेंसी से उठा है, तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे प्रूनिंग। अगर आपका पौधा पुराना है तो हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, नया है तो सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। तो जो भी इसकी सूखी हुई टहनियां और ब्रांचेस हैं, उन सबको हम काट के अलग कर देंगे, क्योंकि वो पौधे पर लगी हुई ना तो खूबसूरत लगती हैं और वो पौधे की एनर्जी भी सक करती रहती हैं। अगर आपने डोरमेंसी में जाने से पहले अपने पौधे की कटाई छटाई कर दी थी, तो आपको इसकी कटाई छटाई करने की दोबारा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ये सही टाइम है, यानी मार्च का महीना बहुत ही बढ़िया है कि आप इसकी कटाई छटाई कर दें, ताकि ये हेल्दी रूप में डेवलप्ड हो सके और आपको इसके बेहतरीन फ्लावर्स भी मिल सकें। तो चलिए जल्दी से हम इसकी सूखी हुई टहनियाँ हटा देते हैं और जहाँ से नई ग्रोथ आ रही है वहाँ तक हम इसको कट कर देते हैं। इसे करने का एक और फायदा भी है कि जब भी आप प्रूनिंग करते हैं, तब वहाँ से आपकी मल्टी ब्रांचेस निकलती हैं। मल्टी ब्रांचेस निकलने का मतलब होता है मल्टी ब्रांचेस पे ढेर सारी फ्लावरिंग। तो आप बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं और अपनी जो इसकी डेड स्टेम्स हैं, डेड ब्रांचेज हैं, वो काट दें। कई बार क्या होता है कि हमारे प्लांट में डेड ब्रांचेस नहीं होती हैं, तभी भी हम इसकी टिप कटिंग कर देते हैं, ताकि हमें मल्टी ब्रांचेस मिल सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो सारी ड्राई इसकी ब्रांचेस थी वो सब हटा दी हैं और प्लांट अब देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसके गमले को ठीक करेंगे, क्योंकि गमले को ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं अपने जो प्लांटर है उसकी क्लीनिंग कर लूँगी। अगर आप अभी रिपोर्ट करना चाहते हैं तो फरवरी माह में ही आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर लें, क्योंकि ज़्यादा गर्मियों में आपके प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक लग सकता है। क्योंकि मैंने अपनी मधुमालती का ये जो प्लांट है, ये एक बड़ी बकेट में लगा रखा है, तो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है रिपोर्टिंग की। और आपको बता दूं कि जब अपने प्लांटर को आप क्लीन कर लेंगे, यानी उसकी घास फूस हटा लेंगे, तो उसके बाद हम करेंगे एक बहुत ही अच्छी सी गुड़ाई, लगभग 1.5 से 2 इंच तक, ताकि हमारे प्लांट में बढ़िया सी एरेशन हो सके और जड़ों को बहुत ही अच्छी हल्की फुल्की मिट्टी प्रोवाइड हो सके, जिससे वो बहुत अच्छे तरह से डेवलप हो सकें। आप जिस भी प्लांटर की रेगुलर गुड़ाई करते हैं, ध्यान रखिएगा आपका वो प्लांटर बहुत ही हेल्दी प्लांट आपको देता है, क्योंकि अच्छी गुड़ाई से आपकी जो मिट्टी है वो पोरस बनी रहती है। अब हम बनाएंगे इसके लिए कंपोस्ट, क्योंकि डोरमेंसी से पहले मैंने कोई कंपोस्ट नहीं दिया था, अब मैं इसको कंपोस्ट दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास है ड्राई टी लीव्स, जो हम सूखी चाय की पत्ती इस्तेमाल करी हुई होती है वो। उसके बाद मैं यहाँ पर नीम खली लूंगी, लगभग 1-2 मुट्ठी, क्योंकि मेरा प्लांटर बड़ा है, तो आप उसी प्लांटर के अकॉर्डिंग ही
नीम खली इस्तेमाल करिएगा। और साथ ही मैं लूंगी यहाँ पर गोबर की खाद, आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, और ये आपके पास जो भी खाद अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 3 से 4 मुट्ठी लूंगी गोबर की खाद। डोरमेंसी से उठने के बाद जब हम एक बार प्लांटर में अच्छी सी कंपोस्टिंग कर देते हैं, तो फिर हमें लगभग 40-50 दिन तक इसको दोबारा से कोई भी कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। बस गुड़ाई करते रहेंगे हम महीने में 2 बारी, तो हमारा प्लांट अच्छा आप रिजल्ट देगा। और मैं यहाँ पर एक मिला रही हूँ नीम की खली, लगभग आधी मुट्ठी ये नीम की खली है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, प्लांट बर्न हो सकता है, तो आधी मुट्ठी मैं इसमें नीम की खली डाल रही हूँ। तो ये सारा जो मिक्सचर है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और उसके बाद मैं अपने प्लांटर में इसको दे दूंगी। जब इसमें आप कंपोस्टिंग कर लेंगे उसके बाद एक बार गुड़ाई अच्छे से कर दे, ताकि जो मिट्टी है उसमें अच्छे से आपकी जो कंपोस्टिंग है वो मिल जाए, और आप देखेंगे कि 1 महीने में आपका जो पौधा है फूल से भर जाएगा। मैं इसकी अपडेट आपको देती रहूंगी अपनी दूसरी वीडियोस में, मेरे एक चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और साथ ही मैं बता दूँ आपको कि ये प्लांट बहुत ही अच्छा लग रहा है आफ्टर प्रूनिंग, और मैंने इसमें कंपोस्टिंग कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को थम्स अप दिए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें।